Assalamu alaikum and good evening from the business desk of the correspondent.pk. So let's begin with the stock market's behavior today. आज मार्केट में एक दफ़ा फिर थोड़ा स्लो डे था, लैकलस्टर थी एक्टिविटी. मार्केट ने स्लाइटली पॉजिटिव ओपनिंग दी, उसके कुछ देर बाद 28 पॉइंट नेगेटिव भी हुई, बट उसके बाद दोबारा पॉजिटिव जोन में एंटर हुई और थ्रू आउट द सेशन पॉजिटिव जोन में ही ट्रेड होती रही. ज़्यादा एक्टिविटी देखने में आई सेकेंड टीयर थर्ड टीयर स्टॉक्स में. उसके अलावा मेन बोर्ड पे रिफाइनरी सेक्टर थोड़ा सा पॉजिटिव रहा. उसकी रीज़न ये थी कि मीडिया में ये न्यूज़ लगी हुई थी कि रिफाइनरी सेक्टर को गवर्नमेंट ने जो अपग्रेडेशन पॉलिसी है लोकल रिफाइनरीज की, वो उसका ड्राफ्ट फाइनलाइज कर लिया, तो उसी वजह से डे स्टार्ट से ही रिफाइनरी सेक्टर में हमें थोड़ा सा पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट देखने में आया. अदर देन दैट साइड बोर्ड में दीवान फारूक मोटर्स, बलूचिस्तान ग्लास, इनमें एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन विद द बेटर वॉल्यूम्स देखने में आया. दीवान फारूक मोटर्स में एक टाइम पे अपर लिमिट हिट हुई बट वो मेंटेन ना कर सका और उसके बाद अपनी अपर लिमिट के अराउंड ट्रेड होता रहा, जबकि बलूचिस्तान ग्लास में डे स्टार्ट में ही अपर लिमिट हिट हुई और वो थ्रू आउट द डे अपर लिमिट पे ही रहा. एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में 174 पॉइंट्स का इंक्रीज देखा गया और इंडेक्स 41,714 पर क्लोज हुआ. मार्केट वॉल्यूम 144 मिलियन शेयर्स का रहा, इसमें डे ऑन डे बेसिस 8% का इंक्रीज देखने में आया, जबकि ट्रेडेड वैल्यू 3.75 बिलियन रुपीस की रही, इसमें 16% का इंक्रीज देखने में आया. मार्केट कैपिटलाइजेशन 26 बिलियन रुपीस से इंक्रीज की. वॉल्यूम चार्ट्स में पीटीसीएल टॉप पर रहा विद 15.3 मिलियन शेयर्स. दीवान फारूक मोटर्स में 9.5 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, जबकि डब्ल्यूटीएल में 8.6 मिलियन शेयर्स का काम हुआ. टोटल 321 कंपनीज ट्रेड हुई, जिनमें से 122 कंपनीज पॉजिटिव क्लोज हुई, 170 नेगेटिव रही, जबकि 29 कंपनीज अनचेंज रही. ऑन द इंटरनेशनल मार्केट्स फ्रंट हमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने में आई है. यूएस मार्केट्स तकरीबन 1 से 1.5% पॉजिटिव क्लोज हुई. एशियन मार्केट्स में भी 0.5% तक का इंक्रीज देखने में आया, अदर देन चाइनीज मार्केट जो कि स्लाइटली नेगेटिव थी, जबकि यूरोपियन मार्केट्स अभी ओपन है और उनमें भी 0.3 से 1% तक का इंक्रीज देखने में आ रहा है. क्रूड ऑयल की बात करें तो इसमें स्लाइट इंक्रीज है, 50 सेंट्स पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और राइट नाउ इट्स अराउंड $73.75 पर बैरल. पाक रुपी और यूएस डॉलर की बात करें तो उसमें आज एक दफ़ा फिर स्लाइट वीकनेस देखने में आई पाक रुपी में, और ये इंटरबैंक में 5 पैसे की कमी के साथ 224.70 रुपये पर क्लोज हुआ. पॉलिटिकल एंड पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि अर्ली इलेक्शंस के हवाले से कि अगर हम अर्ली इलेक्शंस करवाने थे तो हम ये जो अपना पॉलिटिकल कैपिटल स्टेक पे लगा के गवर्नमेंट में आए हैं, हम फिर ना आते, तो उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया है कि वो अर्ली इलेक्शंस में जाएंगे और एक बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि इलेक्शंस टाइम पर ही होंगे. ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट एज पर द सोर्सेज पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो सऊदीया से मल्टी बिलियन डॉलर की कोई सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रही है इन दिस मंथ, जो कि डिपॉजिट्स और ऑयल डेफर्ड पेमेंट की सूरत में होगी. सो लेट सी कि इन आने वाले 2 वीक्स में ऐसा कुछ होता है या नहीं. इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट ने जो रिफाइनरी पॉलिसी में एक पार्ट लोकल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन का है, उसका ड्राफ्ट फाइनलाइज कर लिया है, जबकि दूसरा पार्ट जो कि सेटिंग अप ऑफ न्यू रिफाइनरीज है वो फाइनलाइज होगा जब ये सऊदी अरब से जिस तरह के रिफाइनरी नई बनाने की एक बातचीत चल रही थी इन्वेस्टमेंट की, उसकी जब टेक्निकलिटीज और उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तो उसके बाद नई रिफाइनरीज की जो है
पॉलिसी वो उस टाइम पे आएगी। इसके अलावा पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जो कि पामा है, उसने नवंबर के पैसेंजर कार्स के नंबर रिलीज किए हैं, जिसके मुताबिक 15,444 पैसेंजर कार्स नवंबर के मंथ में सेल हुई हैं, जो कि लास्ट मंथ अक्टूबर से 39% ज़्यादा हैं। जबकि अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 5 महीने का कंपैरिजन करें विद द सेम पीरियड लास्ट ईयर, तो उसमें 39% का डिक्लाइन देखने में आया है, जिसकी रीज़न हायर इंटरेस्ट रेट, कार फाइनेंसिंग नहीं हो पा रही, उसके अलावा इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, कार की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो इसी वजह से लास्ट ईयर से हमें इस दफ़ा 39% कम सेल्स देखने में आई हैं कार्स की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।